ओके तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा इसमें फर्स्ट चैप्टर है ना वो बेस्ड है पीजीएफ पे। पीजीएफ पता है सभी को, पीजीएफ। पीजीएफ होता क्या है? इट्स स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। क्या लिखते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी प्लीज। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसके लिए आप सॉरी। तुम लोग लिखना चाहो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। अपना एक कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ साथ नोट्स बना लो। ठीक है, तो जो चैप्टर वन है वो इस पे बेस्ड है पूरा, पीजीएफ पे। तो उससे पहले हम करते क्या है, पहले स्टोकास्टिक प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज़ द स्टोकास्टिक प्रोसेस। थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे और जब इसका हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे स्टोकास्टिक प्रोसेस का, तो उससे हम इसको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे टाइप ऑफ स्टोकास्टिक प्रोसेस, ठीक है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो थोड़ा बेसिक देखते हैं यहाँ पे, फिर हम इस अपने टॉपिक पीजीएफ पे आएंगे। तो बेसिक मीन्स क्या है कि सपोज स्टोकास्टिक प्रोसेस है क्या। जैसे कि हम लोगों ने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में एक्चुअली होता क्या था, हमारे पास रैंडम वेरिएबल होते थे, जैसे एक्स वन सपोज, एक्स टू, डॉट डॉट डॉट, एक्स एन। दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स, आदर हैज़ द सेम फैमिली और डिफरेंट, ठीक है। तो होता क्या था, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वन एक्स टू, इनकी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। रिलेशनशिप मीन कोवेरियंस क्या है दोनों का, और अदर थिंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, वेरियंस क्या है। बट अब हम बात करेंगे स्टोकास्टिक प्रोसेस की। तो ये रैंडम वेरिएबल थ्योरी क्या स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? तो स्टोकास्टिक प्रोसेस कुछ नहीं है। स्टोकास्टिक मीन सभी को पता होगा, स्टोकास्टिक वेरिएबल भी हमने पढ़े, काफ़ी जगह पढ़ते हैं। और प्रोसेस वर्ड का मीनिंग क्या है, यानी कि इस रैंडम वेरिएबल को लेके कोई हम प्रोसेस फॉलो करें, दैट इज कॉल्ड स्टोकास्टिक प्रोसेस। यानी कि जो हमारे पास ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, दीज आर रैंडम वेरिएबल, फॉलोज सम प्रोसेस एसोसिएट विद द टाइम। एक मैं यहाँ पे वर्ड ऐड कर रहा हूँ कि दीज रैंडम वेरिएबल फॉलो सम प्रोसेस विद द टाइम, यानी कोई टाइम को लेके ये वेरिएबल फॉलो करते हैं एक प्रोसेस को, उसे हम कहते हैं स्टोकास्टिक प्रोसेस। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन टाइम, इट्स डिपेंड ऑन पैरामीटर, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ एक छोटी चीज़ चीज़ देखते हैं कि है क्या, ठीक है। मैं एक चीज़ तुम्हें समझाता हूँ बना वैसे ही। जैसे सपोज करो हमारे पास ये है, ओके, तो इसमें हम लिखते हैं 0, 1 एंड 2, कुछ ऐसा करते हैं हम। ओके तो सपोज अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे तीन स्टेज लिए। एक तो 0, इट मींस इनिशियल स्टेट, ठीक है ना, इनिशियल स्टेज। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक प्लेस ए है ये, और एक प्लेस ये बी है, तो हमें ए टू बी जाना है। कहाँ जाना है? बी वॉन्ट टू मूव ए टू बी, बट हाउ? अब ये वन क्या है, वन इज द इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट मैं एक एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस को हम करते कैसे हैं, ओके। तो ज़्यादा पैनिक मत होना, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। जैसे सपोज करो कि तुम लोग अपने घर से, ये मान लो हमारे पास हमारा घर है और ये हमारे पास कॉलेज है, ठीक है। दिस इज माई होम, ओके, दिस इज माई कॉलेज। अब हमें घर से कॉलेज जाना है, तो कॉलेज हम क्या घर से डायरेक्ट तो जाते नहीं, ठीक है।
सपोज कर अगर हम बाई कार जाते हैं तो कार को यहाँ से फिर यहाँ पे टर्न करेंगे, फिर यहाँ से टर्न करेंगे, फिर यहाँ से टर्न करेंगे, या फिर बाई मेट्रो हम जाते हैं तो फिर मेट्रो स्टेशन जाएंगे, इंटरमीडिएट स्टेट हो जाएगा, मेट्रो स्टेशन से फिर हम आउट होंगे, एग्जिट होंगे, फिर हम कॉलेज के लिए ई रिक्शा पकड़ते हैं, लाइक दिस, है ना। तो कहीं ना कहीं हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है तीन ही स्टेज हों, ये फाइनाइट भी हो सकती हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। ओके, तो अभी तो मैं जस्ट एक बेसिक एग्जांपल लेकर समझाना चाह रहा हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो जब हम जीरो पे जाएंगे तो हम सपोज करो जीरो से वन पे मूव किए, ओके, एरो हमने ऐसे लगाया हुआ, तो इट मीन्स वी मूव जीरो टू वन। अब हम जीरो टू मूव कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक एक्स वेरिएबल होगा। अभी एक्स वेरिएबल जीरो से वन के बीच कोई ना कोई टाइम लेके मूव करेगा, फिर वन से हमारा कहाँ मूव करेगा, टू पे मूव करेगा विद कुछ ना कुछ टाइम। ओके, तो सपोज करो ए टू बी, एंड मीन्स आप घर से कॉलेज टू स्टेप में पहुंचते हैं। एक तो स्टेप आपने यहाँ से जीरो से वन पे लिया और एक स्टेप वन से टू पे लिया। सिमिलरली यू वॉन्ट टू बैक कॉलेज टू होम, इट मीन्स आप कॉलेज से होम पे वापस आओगे, तो आप क्या करोगे, फिर आप वही सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, ई रिक्शा पकड़ोगे, वन पे पहुंचोगे डेस्टिनेशन पे, यहाँ से फिर अपने घर के लिए मेट्रो पकड़ोगे। क्लियर? तो कुछ ना कुछ अब ये वेरिएबल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा कुछ टाइम लेके, तो इस ड्यूरिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मूविंग टू जीरो टू वन एंड वन टू दिस। तो एक तो हम कहते हैं स्टेपिंग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे हाफ प्रोबेबिलिटी ले रहा है, यहाँ पे मान लो 3/4 व्हाट एवर जो ले रहा है प्रोबेबिलिटी ले रहा है, तो क्या हम उसकी यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हैं जीरो टू टू तक, या फिर टू से जीरो काउंट कर सकते हैं या टू से, तो देयर आर मैनी केसेस। तो जो ये होल चीज हम कर रहे हैं, ये होल प्रोसेस, ये क्या कर रहे हैं, ये किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक्स का हम एक्स के एक डेस्टिनेशन टू कॉलेज या कॉलेज टू होम फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस। तो एक्स एक प्रोसेस ही कर रहा है हमारे पास, क्योंकि जीरो से वन पे जा रहा है, वन से टू पे, तो इट्स कॉल अ प्रोसेस। तो एक्स यहाँ पे एसोसिएट विद द टाइम, ओके, तो इट इज कॉल अ स्टोकास्टिक प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड एज अ मार्कोव चैन। अभी हम यहाँ पे बस सिर्फ सुन लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जब हम मार्कोव चैन पढ़ेंगे तो इस ग्राफ से कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कैसे स्टेपिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो हम वन बाई वन देखेंगे। क्लियर? ओके, तो मूव करते हैं अपने जो मेन टॉपिक था वहीं पे मूव करते हैं। अब जो हमें आज पढ़ना है, तुझे जो हमने होल स्टोकास्टिक प्रोसेस देखा, यानी कि एक वेरिएबल की प्रोसेस देखी, तो उसकी कुछ टूल और टेक्निक्स हैं ऑब्टेन करने के। क्या हैं? सम टूल्स एंड, ओके, सम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्टोकास्टिक प्रोसेस। ओके, तो ये टूल्स एंड जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं वो हैं क्या, हाउ टू हेल्प इट फाउंड द प्रोसेस। ओके, ये कैसे हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दे आर मैनी मैनी टैक्टिक कैन बी ऑप्टेन या फिर कैन बी यूज इन अ डीलिंग विद द स्टोकास्टिक प्रोसेस, ठीक है। तो लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो देयर आर सेवरल, देयर आर सेवरल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड इन इन डीलिंग विद स्टोकास्टिक प्रोसेस। ओके, येट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, येट जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन प्रोवाइड अ पावरफुल
अ पावरफुल टूल फॉर डीलिंग विद सेम सेम मीन्स स्टोकास्टिक प्रोसेस डीलिंग विद सेम ओके इट मीन्स अभी अगर ये कहना चाह रहा है कि जो मेन टूल है उसे हम जनरेटिंग फंक्शन भी मानते हैं किसके साथ स्टोकास्टिक प्रोसेस की डीलिंग करने के लिए तो जैसे उसके प्रिंसिपल एडवांटेज है वो क्या है जो इसका प्रिंसिपल एडवांटेज है वो जनरेट फंक्शन वो क्या है स्टोकास्टिक प्रोसेस तो बेसिकली एक कुछ नहीं है द प्रिंसिपल एडवांटेज एक लाइन और लिख लेते हैं द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट सिंगल फंक्शन मे बी may be used to represent a whole set of individual terms a whole set of individual terms ओके कहने का मतलब ये है कि कोई भी अब जनरेटिव फंक्शन थोड़ा देखेंगे उसके बाद आते हैं ठीक है तो सब इसके बाद हम लिखते हैं डेफिनेशन डेफिनेशन किसकी लिखेंगे जनरेटिंग फंक्शन की ओके किसकी लिखेंगे जनरेटिंग जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं दो लाइन फिर उसके बाद हम समझते इसमें है क्या कंसीडर अ सीक्वेंस लाइक ए नॉट ए वन डॉट डॉट ऑफ रियल नंबर ओके रियल नंबर्स डिफाइन अ फंक्शन डिफाइन अ फंक्शन ए एस ओके एक ए एस हमने फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं दिस इज नथिंग दिस इज इक्वल टू लाइक दिस ए नॉट प्लस ए वन सॉरी ए वन एस प्लस ए टू एस स्क्वायर ए थ्री एस थ्री डॉट 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 ओके तो हमने इसको एक सीरीज फॉर्म में लिखा है ए नॉट प्लस ए वन ओके ए वन एस प्लस ए टू एस स्क्वायर प्लस ए थ्री एस स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स अगर इसको हम सीरीज फॉर्म में लिखना चाहोगे तो हाउ टू राइट इन अ सीरीज फॉर्म ओके तो ए एस इज इक्वल टू समीशन कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो सपोज एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ओके ए एन एस की पावर एन ओके तो ये तो सिंपल सी बात है इसमें नो डाउट अगर आप इसको ओपन करो तो वही टर्म मिल जाएगा क्या मिल जाएगा ए नॉट एस की पावर जीरो इज वन प्लस ए वन एस प्लस ए टू एस स्क्वायर सेम डॉट 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 ओके
तो ये क्या है, इट्स अ नथिंग, इट्स अ पावर सीरीज। ओके, अगर ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है तो कुछ ना कुछ तो इसकी रेंज डिफाइन करेगा कि इसमें ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो मान लेते हैं इफ इफ दिस पावर सीरीज इफ दिस पावर सीरीज कन्वर्ज इन सम इंटरवल लाइक माइनस एस नॉट लेस देन एस लेस देन एस नॉट। क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना जो गिवन पावर सीरीज है वन वाली, दिस वन इज कन्वर्जेंट इन एस नॉट लेस देन एस नॉट। ओके, यानी कि मीन्स जो इसकी वैल्यू आएगी कन्वर्जेंस की वो क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, आर ओ सी इज द लाइज इन दिस इंटरवल माइनस एस नॉट टू एस नॉट। ओके, देन अगर ये कन्वर्ज करेगी देन ए एस इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन। इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस ए एन। किसका होगा, ए एन, ए एन मीन्स दिस सीक्वेंस ए एन। ओके, और एंड द इंटरवल व्हाट इंटरवल माइनस एस नॉट लेस देन एस नॉट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। वी कैन ऑल्सो राइट समटाइम्स इट इज द आर ओ सी आर डॉट ओ डॉट सी, इट्स अ रियल एनालिसिस कॉन्सेप्ट। तो हम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो अपने इसको ही निकालते जाएँ। बस इतना याद रखो कि अगर ये पावर सीरीज जो हमने एक में गिवन है, इफ इट इज कन्वर्जेंट देन वी कॉल ए एस फंक्शन ऑफ सीरीज इज अ जनरेटिंग फंक्शन एंड दिस इंटरवल इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक रिजल्ट हम किसी भी मैथमेटिकल बुक में तुम लोगों को लिखा मिल जाएगा कि कभी भी हम किसी भी समीशन में सम ओवर डी बटे डी एस करते हैं, यानी कि इस समीशन का डेरिवेटिव करते हैं तो इट इज इक्वल टू सम ओवर डी बटे डी एस, यानी कि डेरिवेटिव समीशन के इनसाइड हो जाता है समीशन आउटसाइड। व्हाई, बिकॉज कभी भी, अब ये डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, डेरिवेटिव किसी न किसी वेरिएबल पर होगा, बट सम किसी न किसी कॉन्स्टेंट का होगा, तो कॉन्स्टेंट को हम क्या करते हैं, हम इसे डेरिवेटिव के बाहर ले आते हैं। तो आई थिंक इसलिए हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक नो डाउट यहाँ तक तुम क्लियर हो गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर यही चीज़ हम इस सीरीज पे लगाएं, किस पे, जो हमारे पास ए में गिवन है, तो डी बटे डी एस सम ओवर एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट ए एन एस की पावर एन, इट विल बी इज इक्वल टू सम ओवर एन गोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट डी बटे डी एस ए टू द पावर एन एंड एस टू द पावर के। ओके, अब देखो
अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हेन इट इज़ पॉसिबल। अब ये पॉसिबल कब है ये टर्म? जब हमारे पास ये सीरीज क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, इट मींस इस चीज का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं इफ ए एस इज डिफरेंशिएबल या फिर डिफरेंशिएटेड के टाइम्स, के टाइम्स हम कर सकते हैं क्योंकि इट्स ए डिफरेंशिएबल मान चुके हैं, के टाइम्स एट एस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज अब क्या हो जाएगा ये? अगर इस सीरीज को जो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है इसको हम के टाइम्स डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें? डी की पावर डी टू दी पावर के अपॉन डी एस टू दी पावर के ए एस इज इक्वल टू एट एस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू फैक्टोरियल के, क्योंकि के के माइनस वन के माइनस टू डॉट 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 ये सारी चीज़ें। ओके सॉरी यहाँ पावर एन नहीं होगा, आई एम राइटिंग इट रॉन्ग, सफिक्स में एन है। ओके यहाँ पे पावर में नहीं है, इसको सही कर लेना, सफिक्स में एन है। तो जब हम फर्स्ट टाइम करोगे इसको तो आप यू विल गेट के समीशन ए एन एस की पावर, सॉरी यहाँ पे एन आएगा, सॉरी यहाँ पे एन लिख लेना, कुछ भी ले सकते हो, इट्स अ पावर, इट्स डजेंट मैटर कि के ही लिखना एन लिखना, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर के टाइम्स कर दोगे तो ये के सारे नीचे आते जाएंगे, फिर सेकेंड टाइम करोगे फिर के माइनस वन आएगा, फिर थर्ड टाइम्स करोगे के माइनस टू आएगा, तो इट विल बी अ फैक्टोरियल के और एक कोफिशियंट वाला साथ में रहेगा एक। ठीक है ना? तो दूसरी चीज़ अगर हम एके की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, एके क्या होगा, एके इज द कोफिशियंट ऑफ द एस टू द पावर के, तो इट विल बी अ वन अपॉन फैक्टोरियल के डी टू द पावर के डी एस टू द पावर के ए एस एट एस इज इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं किया हमने, जो ये फैक्टोरियल के है इसको इधर भेज देंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा, तो डी टू दी पावर के हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली हुआ यहाँ तक? तो कोई डाउट नहीं है ना? ओके तो ये तो हमारी बात हो गई ना, ये हमने टॉकिंग अबाउट द जनरेटिंग फंक्शन। ओके बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस इज ऑल्सो पी जी एफ, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। क्लियरली, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। अब ये क्या होता है, अगर हम थोड़ा बैक चलें, ओके, तो कितने बच्चों ने ये चीज सुनी है एमएक्सटी? एनीवन गिव द आंसर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो अबाउट द एमएक्सटी? इट इज ऑल्सो राइट ई की पावर टी एक्स। एनी वन गिव द आंसर, किसी ने सुना है? ओके सभी ने पढ़ा होगा ना? ठीक है, गुड। तो इट इज एक और फंक्शन होता है फाई एक्स टी, इट्स अ एम जी एफ, एम जी एफ स्टैंड फॉर द मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन और फाई एक्स टी इज द करेक्टरिस्टिक फंक्शन। ओके
अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन एक्सप्लेन, किसको याद है? ओके नहीं, दोनों का यूज क्या है? पहली बात तो ये देखना है मूवमेंट्स के लिए, तो दोनों एक ही चीज को निकाल रहे हैं, फिर दो दो चीजें एक चीज को निकालने के लिए क्यों बनी हुई हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। जब MXT हाँ इट यू आर ऑल्सो राइट, बट एक टर्म यहाँ पे याद कर लेना, कोई अगर पूछता है तो जनरल जो जनरल डिफरेंस है वो ये है कि फाइव एक्स टी एग्जिस्ट फॉर एवरी रैंडम वेरिएबल, MXT मे और मे नॉट, क्योंकि फाइव एक्स टी को हम क्या लिखते हैं, e की पावर ITX, ओके ना, तो इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट ऑलवेज, तो ये तो हर रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, बट MGF मे और मे नॉट भी। गिवन एन एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताओ जिसके लिए MXT एग्जिस्ट नहीं करता हो बट फाइव एक्स टी एग्जिस्ट करता हो। कौन बताएगा, कोई एक एग्जाम्पल हमें बताओ। ये कितने बच्चों ने सुना है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। अब आज जाके देखना कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का MGF एग्जिस्ट नहीं करता है बट फाइव एक्स टी एग्जिस्ट करता है। ओके, इन कॉची डिस्ट्रीब्यूशन MXT डज नॉट एग्जिस्ट बट फाइव एक्स टी इज एग्जिस्ट। तो जो PGF है, चलो ये तो बात की सौदा है, इन पर ज़्यादा नहीं जाते, जो PGF है इट इज ऑल्सो एसोसिएट विद द MXT और फाइव एक्स टी, यानी किसी के ये इन दोनों का ही एक पार्ट है। ओके, ये क्या है, ये इन दोनों का ही पार्ट है, बट ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इससे सीरीज के कोफिशियंट वगैरह आराम से ऑप्टेन करते हैं, वहाँ पे इससे मूवमेंट ऑप्टेन करते हैं इन दोनों से, और यहाँ पे हम कोफिशियंट ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि एस की पावर टू की कोफिशियंट प्रोबेबिलिटी क्या है, एस की पावर के की कोफिशियंट, वो निकालने के लिए हम इसे PGF को यूज करते हैं। ठीक है ना, तो डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ओके, प्रोबेबिलिटी इफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव, इफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल ओके अज्यूमिंग assuming takes non-zero probability, non-zero probability, that is probability x is equal to k is equal to pk is kya hoga, non-zero यानी कि मीन्स पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेयर के इज इक्वल टू 0, 1, 2 डॉट डॉट, एंड ऑल्सो कंडीशन इज सम ओवर के इज इक्वल टू 0 to n पी के इज इक्वल टू 1।
ये कंडीशन कहाँ से आती है, ये कंडीशन हमारी आती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है, ओके तो इज कॉल्ड, ठीक है सॉरी, तो पीके का सम हमारी सारी प्रोबेबिलिटी का हम सम करेंगे वो आएगा वन, और ये पीके और नॉन नेगेटिव जीरो यानी जीरो जीरो से बड़े होंगे। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू के विद प्रोबेबिलिटी पीके, ओके देन देन द सीरीज सीरीज डिफाइनेड बाय पी एस, हम किसे डिनोट कर रहे हैं पी एस से, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट पी वन सॉरी एस पी टू एस स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, जो कि हमने जनरेटिंग फंक्शन में लिखी हुई है। दोनों में फ़र्क ये है, वहाँ पे एक की जो कोफिशिएंट है, ओके जो हमने ये लिखा था ए एन एस की पावर के, तो जो ए एन थे इट्स ए रियल सीक्वेंस, क्या थे रियल नंबर सीक्वेंस था, बट यहाँ पे पी के आ जाएगा, ओके तो पी के क्या होगा प्रोबेबिलिटीज होंगी, ओके तो इट इज इक्वल टू एन ग्रोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट पी एन एस टू द पावर एन, क्लियर इट इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो हम पी एस जो डिफाइन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी नॉट पी वन एस प्लस पी टू एस स्क्वायर प्लस पी थ्री एस क्यू प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ सीरीज समेसन एन गोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट पी एन एस टू द पावर एन इज कॉल्ड द PGF probability generating function of random variable x, ठीक है। और इसके साथ एक टर्म और जोड़ते हैं, द सीरीज इज नेसेसरी, ओके नेसेसरली कन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी तो वी कुड नॉट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑल्सो डिफरेंशियबल, ठीक है ओके ऑल्सो डिफरेंट। एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसी के अंदर तो पी सॉरी मूव नेक्स्ट पेज चलते, हमारे पास पी एस इज इक्वल टू सम ओवर एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट पी एन एस टू दी पावर एन, ठीक है। क्लियर, अगर सपोज करो पुट एस इज इक्वल टू वन, इट मीन्स पी वन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन वन सॉरी वन की पावर एन, तो इट इज नथिंग इट्स इज इक्वल टू वन, सो एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन। अब इसकी हम कंडीशन जानते ही हैं, इट इज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट एन इज इक्वल टू जीरो टू वन टू इन्फाइनाइट, इट विल बी अ nothing, it will be a 1. So we can say that probability, any probability generating function at s is equal to 1 is 1.
ओके, इक्वेशन नंबर थ्री। तो अगर हम पी एस इजिकल टू वन रखते हैं प्रोबेबिलिटी जनरेटेड फंक्शन में तो इट विल प्रोड्यूस वन, ठीक है। और इसको हम थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। अब देखो हमारे पास पी एस कैसे है, पी एस इजिकल टू सम ओवर एन गोज टू जीरो टू इन्फेनाइट पी एन पी एन एस टू द पावर एन। बट हमने एक नोटेशन लिखा था पहले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज द पी एन, पी एन इजिकल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू एन, ओके। तो उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज़ को पी एन हम रिप्लेस बाय दिस, तो इट इज इक्वल टू एन इजिकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू एन एस टू द पावर एन, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हमारे पास क्या मिल गया, अगर हम पी एस को एक्सप्लेन करें तो प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू वन एस प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू टू एस टू एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अगर आपके पास पी एस की वैल्यू है तो द पी जी एफ, मैं लिख देता हूँ द पी जी एफ डिटरमाइन, पी जी एफ मीन्स पी एस, पी एस डिटरमाइंस पी के, पी के मीन्स प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एट पॉइंट के, या फिर पी के लिख सकते हैं या फिर पी एन लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ओके। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं, यू निकले, नोटेशन से कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो दिक्कत है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, द पी जी एफ ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी पी के यू निकले, क्लियर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ इसके रिजल्ट्स होते हैं या फिर थ्योरम्स कह लो, कॉलरी कह लो, मैं तो इसे एज अ रिजल्ट यूज करता हूँ, एज अ प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। तो बी हैव सम रिजल्ट्स, तो बी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, किसके, पी जी एफ के, रिजल्ट ऑफ पी जी एफ। तो इसको हम कह सकते हो, यहाँ से रिजल्ट वन लिख सकते हो, रिजल्ट वन क्या होगा तुम्हारे पास, रिजल्ट वन क्या होगा तुम्हारे पास, ओके। अगर पी एस इजिकल टू सम ओवर एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एस टू द पावर एन, ओके, ये हमारे पास पी जी एफ लिखने का वो फंक्शन है। अगर इसको आप एक बार डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू एस, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, तो डी बटे डी एस पी एस यही लिखेंगे, इजिकल टू सम ओवर एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन, एक एन यहाँ पे आ जाएगा, और एस टू दी पावर एन माइनस के वन, हमने इसको एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया है, तो एक एन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो नाउ पुट एस इजिकल टू वन, सॉरी दिस इज एस, ओके, पुट एस इजिकल टू वन,
तो एस इज इक्वल टू वन, तो पी इसे हम डैश लगा सकते हैं, डैश मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, पी डैश वन इज इक्वल टू सम ओवर एन गोज टू जीरो टू इनफाइनाइट एन पी एन, क्योंकि यहाँ पे एस की पावर, जैसे एस को वन रिप्लेस करोगे तो इट शुड बी अ वन, होना ही चाहिए वन, तो ये तो क्योंकि एस की पावर, वन की पावर कुछ भी करो वन ही आता ऑलवेज। ओके तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इट्स ऑल्सो राइट एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एन इन टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एन। ओके तो आई थिंक सम स्टूडेंट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दिस, क्या होगा, हमने क्या लिखा, पी डैश वन इज इक्वल टू समेशन एन गोज टू जीरो टू वन इन्फिनिटी सॉरी एन इन टू प्रॉबलिटी एक्स इज इक्वल टू एन। ओके ये क्या होता है, क्या हो गया, कोई तो बताओ, जीरो, एनी वन अदर, इट्स अ जीरो, हाउ, हाँ अच्छा, यू आर राशि ना, राशि, ओके नहीं जीरो तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम देखो अगर इसको लिखते ना तुम लोग भूल गए, एक्सपेक्टेशन एक्स क्या होता है, इट्स नथिंग, इट्स एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एक्स इन टू प्रोबलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, रिमेंबर ये तो सबको पता होगा शायद, हम यहाँ पे ना एक्स को डिस्क्रीट मान के लेके, एक्स को हम डिस्क्रीट लेके चल रहे हैं, तो अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा, इट्स नथिंग, पी डैश वन इज इक्वल टू प्रोबलिटी सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इट्स नथिंग, इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया कि अगर हम एक बार डेरिवेटिव कर दें प्रोबेबिलिटी जनरेटेड फंक्शन को और पुट एस इज इक्वल टू वन तो यू विल गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दिस इज द इक्वेशन फोर। क्लियरली अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कोई, ओके सबको क्लियर है, चल रिजल्ट टू, ओके तो रिजल्ट टू क्या होगा हमारे पास, सेम चीज को अगर हम दो क्या हो गया बेटा, स्वाति आ रही है, ओके यहां तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बच्चे यहां उसको कह दो ब्रेक के बाद आए फिर, ओके तो रिजल्ट टू में हम क्या करेंगे, सेम चीज अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे पी एस था तो पी एस इज इक्वल टू सम ओवर एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एस टू द पावर एन, इट बी डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ द दिस फंक्शन पी एस और पुट एस इज इक्वल टू वन, क्या करेंगे हम एस को वन रख देंगे तो इट्स विल नथिंग, आप करके देख लेना, मैं कर नहीं रहा हूँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस के
क्योंकि देखो अगर इसको तुम डेरिवेटिव करोगे, मैं अभी लिख दूँ, करके दिखा देता हूँ, नहीं बच्चे कुछ डाउट में चले जाएंगे। अगर एक बार करते हो तो एन आता है, अगेन दो बार करोगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन 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 माइनस के वन और एस टू दी पावर एन माइनस के टू, यू विल गेट दिस। ओके तो पुट एस इज इक्वल टू वन, तो इट विल बी अ सम एन एन माइनस के वन और पी एन, एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एन इज गोज टू वन चला जाएगा, यहाँ पे टू से चला जाएगा क्योंकि एक सीरीज हम मिसिंग कर दे रहे हैं। तो इट विल बी अगेन एक्स एक्स माइनस वन, सो इट विल बी राइट दिस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, सॉरी यहाँ पे एस को वन लिखने पे तब ये मिलता है। तो पी डबल डैश वन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस के वन, क्लियरली दिस इज द इक्वेशन नंबर फाइव। ठीक है, अगर अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर हमने एक्सपेक्टेशन एक्स को हम पी जी एफ के फॉर्म में लिखेंगे तो हम एक्सपेक्टेशन एक्स को क्या लिख सकते हो तुम लोग, यू विल राइट पी डैश वन। सिमिलरली अगर हम वेरियंस ऑफ एक्स को लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट द वेरियंस इन फॉर्म ऑफ पी जी एफ, क्लियरली। सो बेसिकली वेरियंस ऑफ एक्स होता क्या है, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एवरी वन नो ना दिस कॉन्सेप्ट, सभी को ही पता होगा कि वेरियंस का फॉर्मूला ये होता है, बट अभी तक हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को तो पता है, दिस इज वी कैन राइट डैश पी डैश वन, ये कॉन्सेप्ट और पता है हमें एक्स एक्स माइनस के वन इज इक्वल टू पी डबल डैश वन। बट अगर इसको हम ओपन करोगे तो क्या जगह है, ये इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के इधर जाएगा तो एक एक्स उधर एक्स जुड़ जाएगा, समझ पा रहे ना। अगर तुम ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगी इस फॉर्म में, ई एक्स स्क्वायर माइनस के ई एक्स, बट वी रिक्वायर्ड ई एक्स स्क्वायर तो एक ई एक्स से ऐड कर दोगे, और ई एक्स किसके बराबर होता है, पी डैश वन के बराबर होता है, क्लियरली। इट मीन्स अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई एक्स एक्स माइनस के वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस के एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्लियरली। क्योंकि जब इसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यू इट विल बी हाँ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, तो ई एक्स स्क्वायर माइनस के ई एक्स, तो माइनस ई एक्स से माइनस ई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही क्या बचेगा, इट्स सेम बचेगा, इट्स अ ई एक्स स्क्वायर माइनस के ई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ई एक्स से माइनस ई एक्स कट जाएगा, क्लियरली। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तो इस फंक्शन को हम पी जी एफ के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इट विल बी अ पी डबल डैश वन प्लस पी डैश वन, ओके इसको हम पी डैश वन लिखते हैं, और इसको क्या लिख देंगे, माइनस के पी डैश वन का होल स्क्वायर, क्लियरली। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा ना। तो सिमिलरली अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन को तुम पी डैश वन लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर हम वेरियंस ऑफ एक्स की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, वेरियंस ऑफ एक्स को पी डबल डैश वन प्लस पी डैश वन और माइनस के पी डैश वन का होल स्क्वायर। अब इससे बेनिफिट क्या है, सपोज करो हम तुम्हारे पास कोई भी पी एस की वैल्यू गिवेन है, ठीक है ना, तो पी एस की वैल्यू गिवेन है, सपोज हम कुछ भी ले लो वाट एवर पी क्यू एस, सॉरी इट्स अ पी जी एफ, कुछ भी ले सकते हो, वन माइनस एस की पावर ले सकते हो या फिर एन लिख सकते हो इसको भी, बहुत सारे पी जी एफ होते हैं, वन अपॉन वन माइनस क्यू एस ले सकते हो, ये भी होता है, किसी ने किसी का होता ही होगा,
रिजल्ट मैटर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, आप आसानी से कोई में से कोई चूज कर सकते हो। तो उसकी यूजिंग दिस, अगर तुमसे कहा जाए फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ एक्स, अब अगर एम जी एफ पे जाओ तो एम जी एफ पे तुम्हें पहले मूवमेंट निकालने पड़ते थे, पहले हम एम एक्स टी की यूजिंग करके पहले उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालते थे, एक्सपेक्ट एक्स स्क्वायर, सेम थिंग, इसको दो बार डेरिवेटिव करो, एस को बन रख दो, एक बार डेरिवेट करो एस को बन रखते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन एक्स मिल जाएगा और इस होल प्रोसेस से आपको वेरियंस ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो यू कैन ऑप्टेन बोथ मीन एंड वेरियंस ऑफ द गिवन पी जी एफ। क्लियरली हम एग्जांपल आगे करेंगे, डजेंट मैटर, इतना परेशान मत हो, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट इज थर्ड। तो रिजल्ट थर्ड हमारा क्या होगा, बच्चों बोर तो नहीं हो रहे ना, अगर बोरियत फील करो तो बता देना, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमने पी डबल डैश वन किया तो यू विल गेट एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है ना। अगर हमने पी डैश वन किया तो आपको क्या मिला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अगर सेम आप पी ट्रिपल डैश वन लिखोगे तो ये क्या होगा, सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस के टू। क्लियर, ये मिलेगा हमें ट्रिपल डैश पे। तो बेसिकली अगर इनको ऑल ओवर देखें तो व्हाट इज दिस, ये कौन से मूवमेंट हैं, कौन बताएगा, किसी को याद है ये किस टाइप के मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो ये एक्सपेक्टेशन ये वाला देश एंड देश, ये किस टाइप के मूवमेंट्स हैं, किसी को याद है। अच्छा, एक तो होता है देखो रो मूवमेंट, मैं बता थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या पढ़ते हो, रो मूवमेंट होता ना मूवमेंट, सॉरी, ये कितने बच्चों को पता है रो मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट, फैक्ट, रिमेंबर, किसी को याद है, चलो कोई नहीं, ये तुम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी जिसने पढ़ाई थी ना उसको फोन करके आज बोलना कि सर हमें ये बता दो ये क्या होते हैं, इट्स नॉट अ माई टॉपिक, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, सब तुम लोगों को आना चाहिए था पहले से, क्योंकि मैं गलती नहीं करता, फिर बाद में तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर अब हम कैसे पढ़े समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं अपना टॉपिक पूरा पढ़ा के चल रहा हूँ, ये देख लेना। तो बेसिकली दीज आर द ना फैक्टोरियल मोमेंट्स, आज एस सी गुप्ता या कोई भी बंसीलाल बुक उठा के देखना बी के रोहित की, उसमें मिल जाएगा, दीज ऑल आर द फैक्टोरियल मोमेंट, ठीक है ना। तो रिजल्ट जो हमारा है वो ये है, द केथ, ओके ना, द केथ केथ फैक्टोरियल मूवमेंट इज गिवन बाय, सॉरी, एक्सपेक्टेशन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस के के प्लस वन इज इक्वल टू d की पावर k अपॉन ds की पावर k ps, ओके, यानी कि हम ps को kth टाइम डेरिवेट करें एंड पुट इज इक्वल टू वन, ओके, तो इज इक्वल टू
वन टू कुछ भी पहले ले सकते हो, डॉट डॉट क्लियरली। तो ये नोट डाउन कर लो, रिजल्ट थर्ड है कि कोई भी kth फैक्टोरियल मोमेंट होगा वो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू ओके इट विल बी, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो डी की पावर के एन kth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोबेबिलिटी जनरेट फंक्शन इज विल बी अ kth फैक्टोरियल मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। इसका जो kth डेरिवेटिव होगा वो kth फैक्टोरियल मूवमेंट होगा ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स का। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं रिजल्ट फोर की तरफ। तो जो हमारे पास रिजल्ट फोर है इट शोज दैट जीरो टू वन पी एस डी एस, बताओ ये क्या आएगा? यहाँ पे ये एक चीज और मेंशन कर लेना, वही सेम एस इजिकल टू वन। सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। चलो कोई नहीं, मैं ही सॉल्व करता हूँ, कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों लोग तुम लोग परेशान थे। पी एस की वैल्यू हमारे पास है 0 to 1, सॉरी हमारे पास क्या है, कमीशन एन गोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट पी एन एस टू दी पावर एन और डी एस ओके। अब देखो दीज आर द कॉन्स्टेंट, पी एन हमारे पास क्या है, कोई कॉन्स्टेंट प्रॉबिलिटी है, सम इज ऑल्सो, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, इट इज इक्वल टू सम ओवर एन पी एन इंकेशन 0 to 1 एस टू दी पावर एन टी एस। यहाँ पे ये लिखोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हम लगा रखे हैं, तो लिमिट से भी 1 ही ले लेंगे। तो इट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन सभी का करना तो आता होगा ना, इंटीग्रेशन छोटा सा ही तो है, एन पी एन वन अपॉन एन प्लस, ठीक है ना। अब देखो सेम चीज फिर आ गई, लिख सकते हैं, यू कैन अगेन राइट एन वन अपॉन एन प्लस वन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एन, ठीक, किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू
एक्सपेक्टेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर? सो नाउ रिजल्ट फोर विल बी क्या हो जाएगा, जीरो टू वन पी एस डी एस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर? अब बढ़ते हैं रिजल्ट फाइव, लिख लो ये। ओके, अब रिजल्ट फाइव हमारा क्या कहता है, लेट सॉरी अब रिजल्ट फाइव हमारा कहता है लेट क्यू के इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन के, यानी कि हमने क्यू के प्रोबेबिलिटी मानी है। कब? क्यू के विल बी द प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल एक्स इज ग्रेटर देन के। ठीक है, सेम अगर हम क्यू के प्लस वन करें, क्यू के प्लस वन, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन के प्लस वन। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसे ओपन करोगे, इस टर्म को, किस टर्म को, अगर आप इसे ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो क्यू के इज इक्वल टू पी के प्लस वन, के प्लस वन मीन्स क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन के, तो के प्लस वन टर्म आएगा, सॉरी प्लस प्रोबेबिलिटी के प्लस टू आएगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। सेम इसमें क्या जाएगा, इट पी के प्लस टू प्लस पी के प्लस थ्री प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, अब नाउ हम डिफरेंस लें, क्यू के माइनस के क्यू के प्लस वन, इट विल बी नाउ वी टेकिंग द डिफरेंस ऑफ बोथ सीरीज क्यू के एंड क्यू के प्लस वन, इट्स नथिंग। अब देखो अगर इसका इसका दोनों डिफरेंस करोगे तो इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट से ये कैंसिल आउट, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, ओनली पी के प्लस वन। ओके, क्योंकि k प्लस टू जैसे इनका दोनों डिफरेंस लोगे तो k प्लस टू से k प्लस टू, नेक्स्ट से नेक्स्ट, ये सारे करते चले जाएंगे, सिर्फ हमारा बचेगा ये वाला पी के प्लस वन। सो आई एम राइटिंग हेयर पी के प्लस वन डिफरेंस ऑफ बोथ सीरीज। क्लियर? सो वी कैन राइट हेयर क्यू के माइनस के क्यू के प्लस वन
इज इक्वल टू पी के प्लस वन। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? नो डाउट। आगे बढ़े। अगर इसको हम कुछ ऐसा लिखें, दिस इज सम ओवर के, ओके, यू एस की पावर के, सॉरी माइनस सम ओवर के के प्लस वन एस की पावर के प्लस वन। अब हमने यहाँ पे एक एस ज़्यादा लिखी है, तो हम क्या करेंगे, एक एस से यहाँ पे लिखते हैं, वन अपॉन एस इज इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पे कर दें, सम ओवर के के प्लस वन एस की पावर के प्लस वन और डिवाइडेड बाई वन अपॉन एस। क्लियर? अब के क्या हुआ, के रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, कोई डाउट? जीरो टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे भी k इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे भी k इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट। अब गौर से देखो, अब ये चल जाएगी, क्या हो गया? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। हमारे पास पी एस क्या है, सम ओवर एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एस टू दी पावर एन। ऐसे हम एक फंक्शन और क्यू एस, व्हाट इज द क्यू एस, क्यू एस इज इक्वल टू के गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी, सॉरी क्यू के और एस टू दी पावर के लिख सकते हैं। इट्स ऑल्सो, दोनों क्या हमारे पास, ये भी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, बस नोटेशन हमने चेंज किया हुआ है। क्लियरली? कोई डाउट नहीं आता? तो क्या हम इस फर्स्ट टर्म को, इस वाले टर्म को हम क्यू एस रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ही क्यू एस, ओके, माइनस के वन अपॉन एस सम ओवर के गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी क्यू के प्लस वन एस की पावर के प्लस वन, ठीक है, टू वन अपॉन एस सम ओवर के गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी पी के प्लस वन एस टू दी पावर के प्लस वन। अब ये तो हमने क्यू एस बना लिया फर्स्ट वाला, अगर इनको भी हम क्यू एस बना, देखते हैं कैसे। चलो मैं तुम बताता हूँ भी कैसे बना सकते हैं। अब देखो, हमारे पास क्यू एस इज इक्वल टू है क्या, सम क्या है, सॉरी हमारे पास क्या है, अगर मैं तो यहाँ पे समीशन k
के गोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट क्यू के एस टू दी पावर के। अगर तुम इसे ओपन करोगे तो फर्स्ट टर्म विल बी क्यू नॉट, सेकेंड टर्म क्यू वन एस वन क्यू टू एस टू, सॉरी ये मतलब क्यू टू एन टू एस टू, एंड थर्ड टर्म विल बी क्यू थ्री एस की पावर थ्री एंड प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। अब देखो ऐसे लिखें, दिस इज इक्वल टू Q नॉट प्लस, यहाँ से हम समीशन चलाएं, K इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी क्यू के प्लस वन और S की पावर K प्लस वन। क्लियरली तो देखो जब यहाँ पे Q जीरो रखोगे तो Q वन S आ जाएगा, फिर Q वन रखोगे तो Q टू S स्क्वायर आ जाएगा, फिर Q थ्री, तो एंड सो ऑन। तो जो ही है ये वाले, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, तो है क्यू नॉट प्लस के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट क्यू के प्लस वन एस की पावर के प्लस वन। इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू हम लिखना चाहें इस टर्म की, तो इट विल बी इक्वल टू k जीरो इन्फाइनाइट क्यू के प्लस वन एस की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एस माइनस के क्यू नॉट। क्लियरली गॉट इट, समझ में आया ना? अगर हम क्यू एस से क्यू नॉट को घटा दें तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी। क्लियर? सिमिलरली अगर हम इस सम ओवर के जीरो टू इन्फिनिटी पी के प्लस वन एस की पावर के प्लस वन, तो ये क्या होगा? इट्स नथिंग, इट्स अ पी एस माइनस के क्यू नॉट। लिख सकते हैं ना पी एस, क्योंकि हमने इसको इस सीरीज को हमने इसको हमने पी एस से न्यूट्रेशन किया था, इसको हमने क्यू एस से किया था, तो यहाँ क्यू एस से घटा रहे हैं, यहाँ पी एस से कर रहे हैं। क्लियरली यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास मेन सीरीज थी वो क्या थी? जो हमने क्यू एस माइनस के वन अपॉन एस सम ओवर के गोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट क्यू के प्लस वन एस की पावर के प्लस वन इजिकल टू वन अपॉन एस सम ओवर के गोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट पी के प्लस वन एस की पावर के प्लस वन, यही थी ना? अब देखो, अब इनकी वैल्यू दोनों की हमने क्या किया है, और इस टर्म की वैल्यू हमें पता है, तो हम इस टर्म को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं क्यू एस माइनस के वन अपॉन एस। ठीक है, क्या जाएगा? ब्रैकेट क्यू एस माइनस के क्यू नॉट, क्लियर, इजिकल टू वन अपॉन एस पी एस माइनस के क्यू नॉट, सॉरी या इस मैंने थोड़ी गलती कर दी है प्रीवियस पेज पे, इस पेज पे ये क्यू नॉट, ये जो पी एस को लिखोगे, आई थिंक दिस वन इज दिस, यहाँ पे पी नॉट आया, कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि हम जब इस सीरीज को ओपन करोगे ना पी एस को, तो ये होगा, तो इससे पी नॉट प्लस पी वन एस वन होगा, ओके पी टू एस टू,
तो जब इसको हम घटाएंगे ना इस सीरीज के पी नॉट को घटाएंगे, क्यू नॉट नहीं होगा, पी नॉट होगा। ओके मुझे पेज नहीं मिला ना, उस पेज पे मैं सही कर देता, कोई नहीं सही कर लेना, ठीक है। अब देखो ये मिल गया ना, अब तुम क्लियरली इसको क्या कर सकते हो, क्यू एस माइनस के वन अपॉन एस, क्यू एस माइनस के क्यू एस अपॉन एस, ठीक है, और इज वन अपॉन एस पी एस और पी नॉट अपॉन एस, ठीक है। अब देखो, अब क्यू नॉट की बात करूं तो क्यू नॉट एक पी नॉट में एक रिलेशन होता है, सभी जानते हो। क्यू नॉट की क्या वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, क्यू नॉट इज इक्वल टू वन माइनस के पी नॉट, ठीक है। तो जब फाइनली आप इसको सिंपल इन टर्म्स ऑफ क्यू एस, तो क्यू एस इज इक्वल टू वन, सॉरी, वन माइनस के पी एस अपॉन वन माइनस के एस, करना चाहो कर लेना, मैंने तुम्हें बता दिया क्यू एस कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें बता दिया। यहाँ से एस कॉमन लेके दोनों तरफ से क्यू एस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स आ जाएगा, तो वन माइनस एक सीरीज यहाँ बन जाएगी, पी नॉट प्लस क्यू नॉट इज वन हो जाएगा, तो वन माइनस के पी एस ये रहा तुम्हारे पास, और वन अपॉन एस यहाँ से आ जाएगा, क्यू एस का कोफिशेंट आएगा, तो होल मिला कुल मिला के आपके पास मिल जाएगी दिस सीरीज। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा जो फिफ्थ था वो क्या निकल के आया, रिजल्ट फिफ्थ निकल गया क्यू एस, सॉरी, क्यू एस इजिकल टू क्यू एस इजिकल टू माइनस पी एस अपॉन वन माइनस के एस, क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट पे मूव करते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेना आराम से, नहीं आए तो मुझे बता देना, पीडीएफ में दूंगा, उसमें सॉल्व होगा, इतना परेशान मत होना कि संडे पॉइंट आगे बढ़ाया। रिजल्ट नंबर सिक्स, ओके, लेट लेट एक्स एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल पीजीएफ PGF means probability generating function. Okay, and let y is equal to mx plus n. Okay, with m comma n belong to some interval. सॉरी, एम कॉमा एन बिलोंग टू सम इंटरवल आई, ओके, बट एम नॉट इज इक्वल टू जीरो, फाइन।
फाइंड पी जी एफ ऑफ वाई, इट मीन्स पी वाई एस। ओके, तो बेसिकली पी वाई एस होते क्या, जैसे कि हम एम एक्स टी को क्या लिखते थे, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दी, एम एक्स टी हमारे पास क्या होता था, एम एक्स टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, सिमिलरली इट्स नथिंग, इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की पावर एक्स, इट्स अ पी एस, इट्स अ एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की पावर एक्स। तो अगर हम यहाँ पे बाई ले, ये क्या होगा, इट्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की पावर वाई। क्लियर? क्लियर आ रहा ना समझ में? अब देखो, अब इसके पास हमारे पास y, बट क्या है y वैल्यू, अब क्या हमारे पास एम एक्स प्लस एन, क्योंकि हमें x का पी जी एफ गिवेन है, पी एस, तो ये वाला इट्स अ पी जी एफ ऑफ रेंडम वेरिएबल x, बट हमें निकालना किसका, y का है, तो y का क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन एस की पावर एम एक्स प्लस एन। अब देखो एन इज सम कांस्टेंट वैल्यू, तो एस टू दी पावर एन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेशन से हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट, सपोज करो कोई सी कांस्टेंट है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, सी होती है, तो सेम एस टू दी पावर एन हम बाहर ले आएंगे, तो इट इज एस टू दी पावर एन एक्सपेक्टेशन एस टू दी पावर एन एक्स। क्लियर, क्लियर हो गया तक? अब इसको हम और कैसे, क्योंकि हमें एम एक्स का तो पता नहीं है, सिर्फ हमें एक्स का पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगेन इसको मॉडिफाई कर सकते हो लाइक दिस, एस टू दी पावर एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टू दी पावर एम की होल पावर एक्स। इट मीन्स हमने क्या कर दिया, जहां हम एस था ना, एस जो वेरिएबल एस था हमारे पास, उसको हमने रिप्लेस कर दिया एस टू दी पावर एम से। क्लियर? तो जब भी इस टाइप का हमें पी जी एफ निकाल लोगो आ जाए, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अब ये किसका पी जी एफ हो जाएगा, अगर इसको आप एस की ट्रीट करोगे, एस की तरह, एस की पावर एम को ट्रीट एज अ एस, तो एक्सपेक्टेशन एस की पावर एक्स, इट विल बी अ पी जी एफ ऑफ एक्स, एस टू दी पावर एन पी टू दी पावर एस टू दी पावर एम। अब पी एस किसका पी जी एफ था, एक्स का, बट ये किसका हो गया, वाई का। सो रिजल्ट नंबर सिक्स हमारा कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एस इज इक्वल टू टू द पावर एन पी एस टू द पावर एम। ओके, क्लियर? क्लियर हो गया तक? आगे कंटिन्यू करना है कोई एक स्टूडेंट हमें बता दो। आगे कंटिन्यू करना है क्लास, अभी टाइम है हमारे पास। कोई एक, कोई बात नहीं, सब एक एक करके बता दो, क्लास कंटिन्यू करना है कि ऑफ करना है, क्योंकि मुझे लग रहा कुछ बच्चे नहीं है तो उनका लॉस हो जाएगा। इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये समझ में नहीं आया तो आगे समझ में नहीं आना है।
ओके, तो मैं एकदम नहीं पढ़ूँ, क्योंकि आज बहुत कम बच्चे, 25 स्टूडेंट हैं टोटल, जबकि हमारे पास 40 बच्चे हैं, तो बाद बाकी कहाँ हैं? नीलम, क्लास कंटिन्यू रखना है बेटा, कि सारे बच्चे नहीं है क्लास में, बाकी बच्चे तो आ ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ हैं और आएंगे नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्योंकि ये अब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, तो वो सब थोड़ा टफ है, तो इसलिए कह रहा हूँ उनका लॉस हो गया, तो मैं दोबारा क्लास नहीं लूँगा उसको बैठ के। तो तुम लोग एक बार पूछ के आपस में बता दो मुझे क्या करना है, क्लास बंद कर दूँ, कंटिन्यू करूँ 2 घंटे तक, क्योंकि कल हमारी 3 घंटे क्लास फिर है। बोलो। आकृति क्या कह रही थी? हाँ आकृति, बस करते हैं के कुछ क्या एग्जाम्पल करें। ठीक है, एक काम कर रहे हो तुम लोग, नीलम बेटा मुझे अटेंडेंस चाहिए होगी आज की, सारे बच्चे कहाँ देख रहे हैं? मुझे 23 स्टूडेंट ओनली।